नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण कई बार दुर्योधन को समझाता है, कौरवों को समझाता है, बोलता है कि युद्ध मत करो, कौरवों का विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाओगे, तुम राज्य लेके क्या करोगे मूर्ख। दोस्तों उस समय दुर्योधन कर्ण सब हंसता सा बोलता था कि आप केवल अर्जुन की बात करते हैं, आप केवल पांडव की बात करते हैं, आप तो पांडव का हितेशी है। और कौरवों ने भगवान कृष्ण के हर बात को टाला, शांति समझौता को रद्द किया। इतना ही नहीं, यहाँ तक बोला कि हम अर्जुन को 5 गांव तो क्या, हम 1 सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे, अर्जुन को हम कुछ नहीं देंगे। और दोस्तों उस समय भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन में उतना दम है, वो अकेला लड़के जमीन हड़प सकता है, सबका जमीन छीन सकता है, अर्जुन को हम रोके हैं, अर्जुन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ योद्धा है। लेकिन दोस्तों दुर्योधन कर्ण सब हंसता रहा और अंत में सब मारा गया। जानते हैं युद्ध हुआ क्या हुआ, सब मारा गया। सेम टू सेम आज हाल चाइना का हो गया है। चीन को भारत समझाता है, अमेरिका समझाता है, तो चाइना का मीडिया बोलता है, चीन बोलता है कि अमेरिका भारत को खुश करने के लिए ऐसा बोलता है। दोस्तों अमेरिका ने कई बार बोला है कि चाइना गलत कर रहा है, LAC पे आके, खासतौर पे साउथ चाइना सी में आके हर जगह गलत कर रहा है। तो चाइना बोलता है अमेरिका भारत को खुश करने के लिए ऐसा करता है, अमेरिका की रणनीति गलत है। दोस्तों यही चीज आज चाइना अमेरिका में हो रहा है। लेकिन अब की बार जो बाइडेन ने ऐसा फैसला लिया है जिससे चाइना का इतिहास भूगोल सब बदल जाएगा। दोस्तों चीन में बाइडेन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है और चीनी मीडिया में हरकंप मचा दिया है। सब बोल रहा है कि बाइडेन तो ट्रंप से भी खतरनाक आदमी है। दोस्तों ट्रंप से बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को हिलाया। आप जानते हैं ट्रंप केवल बयानबाजी करता था, बाइडेन ने अपना सबसे खतरनाक हथियार, दोस्तों अपना सबसे खतरनाक पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी, अपना सबसे बड़ा पनडुब्बी जिससे एक बार में कम से कम 4 देश पर हमला हो सकता है, उतना बड़ा पनडुब्बी को साउथ चाइना सी में भेज के पूरे दुनिया को हिला दिया है। बता दिया है कि अब हम मानने वाला है नहीं, चीन को का दिखा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। और चाइना भूल से भी, चाहे हमारा मित्र भारत हो या फिर ताइवान हो या साउथ चाइना सी में कोई देश या फिर जापान हो, किसी को आंख दिखाता है तो उसे हम ध्वस्त कर देंगे। दोस्तों आखिर हुआ क्यों है, आप लोग पूरा खबर देंगे, क्योंकि चाइना ने हाल ही में बाइडेन को बहुत बड़ा धोखा दिया है। बाइडेन परेशान होकर इतना बड़ा फैसला लिया है, आप लोग पूरा खबर देखिए और सोचिए आखिरकार हुआ क्या है। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हम लोग सोचते थे कि बाइडेन भारत विरोधी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाइडेन ने साफ कर दिया कि वह किसी का विरोधी नहीं है, वो तो केवल चाइना विरोधी है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। देखिए आप जानते हैं बाइडेन प्रशासन जब से आया है तब से केवल एक ही काम किया है, चीन से संपर्क बनाने की कोशिश किया है और चीन को बताया है कि हम तुमसे ट्रेड वार खत्म कर लेंगे, तुम हमारा बात मान लो। और दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में यानी कि आज से 2 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में लगातार 2 घंटा तक फोन पे मीटिंग हुआ। दोस्तों 2 घंटा बड़ी बात है, खासतौर पे फोन पे बात करना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है दोस्तों। और दो बड़े राष्ट्रपति खासतौर पे बाइडेन, खासतौर पे जिनपिंग बात किया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे चीन ने ओपनली बाइडेन को धमकी दिया, बोला कि आप तो ट्रंप जैसा काम कर रहे हैं, आपको शांत होना चाहिए, हमें आप रोक रहे हैं, अमेरिका चीन को दिखाना चाहता है, अगर अमेरिका चीन में युद्ध होगा तो पूरे दुनिया को नुकसान होगा। इन सब के अलावा जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका जानबूझ के तिब्बत सिजियांग प्रांत में उग्र मुसलमान के मुद्दा पे, हांगकांग मुद्दा पे, इतना ही नहीं ताइवान मुद्दा पे कूदता है, अमेरिका जानबूझ के भारत साथ देता है, अमेरिका जानबूझ के साउथ चाइना सी में आता है, हम अमेरिका से उम्मीद करते हैं कि वहां से पीछे हट जाए, नहीं तो हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, अमेरिका आग से खेल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो बाइडेन सदमा में चला गया, भाई ये हो कह रहा है, हम तो फोन किए हैं जिनपिंग को समझाने के लिए, जिनपिंग समझ जाता तो कुछ बातों बनता, यहाँ तो जिनपिंग हमें ज्ञान दे रहा है, हमें छोटा दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 2 घंटा जो भी बात हुआ ना, सब कुछ विफल हो गया, कह सकते हैं कि कुछ बात नहीं हुआ। और यहाँ पे जो बाइडेन को तगड़ा झटका मिला, वो समझ गया कि चीन सचमुच में राक्षस बन गया है। उसके बाद दोस्तों पता क्या हुआ है, कल ही की बात है दोस्तों, अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा पनडुब्बी को साउथ चाइना सी में उतार दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका का ये सबसे बड़ा पनडुब्बी है और ये परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु बम से लैस है, इतना ही नहीं कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकता है, इतना ही नहीं अगर युद्ध हो जाए तो कम से कम 3 से लेकर 4 दशक अकेला यह पनडुब्बी भारी पड़ गया। कह सकते कि अपने आप में यह एक युद्ध के लिए, कह सकते दोस्तों, मोर्चा है, उससे अब साउथ चाइना सी में उतार दिया है। आप पूछेंगे इससे क्या होने वाला है, हम हमेशा सुनते हैं कि अमेरिका ये उतारता है, कभी जहाज उतारता है। जी हाँ दोस्तों, बाइडेन जब से आया है ना तब से 2-3 बड़ा फैसला लिया है। पहला फैसला तो यह लिया कि हाल ही में अपना 2 सबसे खतरनाक युद्धपोत को साउथ चाइना सी में उतारा था। दोस्तों ये काम ट्रंप भी नहीं कर पाया था, जो काम बाइडेन ने किया था।
दो सबसे बड़ा युद्धपुत को सौचनासी में उतार दिया था। लेकिन कल क्या हुआ, कल अपना सबसे खतरनाक पनडुब्बी उतारा। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सौचनासी में अपना सबसे खतरनाक पनडुब्बी उतारा है। यहाँ पे अमेरिका ने ओपनली संदेश इनको दे दिया है। और यही बात अमेरिका के तमाम जानकार और बुद्धिजीवी और थिंक टैंक बोला है कि अब अमेरिका को सद्बुद्धि आ चुका है, अब बाइडेन को बुद्धि आ चुका है। बाइडेन अब समझ चुका है कि सचमुच में अमेरिका के लिए खतरा कौन है, वो चीन है, जिनपिंग है। दोस्तों ये बात अब तमाम थिंक टैंक कह रहा है। अब जानते हैं हाल ही में यानी कि आज से दो दिन पहले जो बाइडेन ने ओपनली कहा था कि चाइना हमारे हिस्से का खाना खाना चाहता है, यानी कि हमसे छीन के हमारे हिस्से का खाना खाना चाहता है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। चीन आज पूरी तरह से हमें डुबाना चाहता है, चीन आज पूरी तरह से हमारा पोजीशन छीनना चाहता है और जब तक बाइडेन रहेगा तब तक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में बाइडेन ने ऐसा बयान देके और फिर ये जो काम किया है ना, अपना पनडुब्बी भेजा ना, इसे पूरे दुनिया हिल गया है। आप पूछेंगे यहाँ पे भारत को क्या फायदा होगा, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं आखिरकार भारत को क्या फायदा होगा। देखिए आपको पता है अमेरिका जो कर रहा है ना, उसे कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा हो रहा है। अमेरिका जितना चीन को गर्दन तोड़ेगा दोस्तों उतना भारत को फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं चाइना अमेरिका के लिए खतरा कम है, अधिक खतरा भारत के लिए है। आप जानते हैं केवल 5-6 साल के अंदर में अमेरिका और चीन का झगड़ा खत्म होने वाला है। दोस्तों जिस दिन चाइना पोजीशन नंबर 1 पे आ गया ना, तो समझेंगे उस दिन अमेरिका से झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन चाइना जिस दिन सुपर पावर बन गया ना, उस दिन देखेंगे भारत को हमेशा हमेशा के लिए दबाने का प्रयास करें। उसे लगता है कि आने वाले समय में भारत हमको पछाड़ देगा, क्योंकि भारत का इतिहास ही ऐसा रहा है ना, भारत कभी भी किसी से पीछे नहीं रहा है। भारत 2000 साल पूरी दुनिया पर राज किया है, भारत विश्व गुरु रहा है और भारत सोने का चिड़िया रहा है। दोस्तों चीन को पता है कि अमेरिका को हम 5-6 साल में हरा देंगे, उसके बाद फिर भारत पर हम पूरा फोकस करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग के लिए अच्छा है, जितना अमेरिका और चीन लड़ेगा उतना ही हम लोग को अच्छा होगा और हम लोग को मौका मिलेगा। आप जानते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वार शुरू किया था, आप जानते हैं दोस्तों आज चीन से कई सारे बड़े बड़े कंपनियां भारत आ चुका है। दोस्तों फायदा किसको हुआ, भारत को हुआ, नुकसान किसको हुआ, चाइना और अमेरिका को, यानी कि दो देश आपस में उलझा, फायदा भारत को हुआ। सिंपल सी बात है, इस बार अगर बाइडेन जितना चीन पे एक्शन लेगा ना कहीं फायदा उससे अधिक भारत को होने वाला है। दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि चीन का औकात दिखे, बाइडेन दिखाए, ताकि हमारे यहाँ फायदा मिले। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, जितना चीन और अमेरिका उलझेगा, अमेरिका की नज़र में भारत उतना ही मजबूत होगा और उतना ही भरोसेमंद होगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर महायुद्ध हुआ तो बिना भारत के हम जीत नहीं पाएंगे, बिना भारत के हम चीन को हरा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और कम्युनिस्ट चीन का दोस्तों अब विनाश काल समय आ चुका है। इसीलिए चीन हर जगह केवल उल्टा चाल चल रहा है, कहीं जापान को धमका रहा है तो कहीं भारत को धमका रहा है, कहीं ताइवान को धमका रहा है तो कहीं अमेरिका को धमका रहा है और बोल रहा है कि सब आग से खेल रहा है। दोस्तों एक्चुअली में चीन खुद आज फंस चुका है, उसे लग रहा है कि आज मेरा कहानी खत्म होने वाला है, इसीलिए सबको गिदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन अमेरिका जो क्या है ना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है और बाइडेन को सब आज प्रशंसा कर रहा है।